आज वायदा कारोबार में सभी खाद्य तेलों में जोरदार उछाल देखने को मिला है। खाद्य तेलों में आज सबसे ज्यादा तेजी सरसों में देखने को मिली है। सरसों ने आज जनवरी वायदा में 4% का ऊपर का सर्किट लगाया है। आज सरसों का जनवरी वायदा 4% की जोरदार तेजी के साथ 6300 के करीब पहुंच गया है। वहीं रिफाइंड सोया में भी शानदार तेजी दर्ज की गई है और भाव जनवरी वायदा में 3% की जोरदार तेजी के साथ 1230 के पार कारोबार करता दिखाई दिया। वहीं अगर बात सोयाबीन की जाए तो सोयाबीन में भी तेजी का ही रुख देखने को मिला और भाव 2.75% की तेजी के साथ 4760 रुपए प्रति क्विंटल के पार जा पहुंचा है। दरअसल विदेशी बाजारों में जोरदार तेजी से घरेलू बाजारों में खरीदारी देखने को मिल रही है। वहीं कच्चे खाद्य तेल का आयात घटने से एक महीने में ही देसी बाजार में खाद्य तेलों की कीमतें 40-50% तक बढ़ चुकी हैं। सूरजमुखी, मूंगफली, पाम ऑयल के दामों में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले महीने प्रति लीटर 95 से 110 रुपए चल रहे तेलों के दाम अब 140 के पार पहुंच चुके हैं। और वहीं सरसों का तेल हाजिर में और भी ज्यादा महंगा होता दिखाई दिया है। 120 रुपए किलो तक बिकने वाला तेल अब 140 रुपए किलो के पार जा पहुंचा है। रिफाइंड की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि सरसों की फसल मार्च माह तक पककर तैयार होगी। सरसों 7000 रुपए प्रति क्विंटल हाजिर में बिकती दिखाई दे रही है। करीब एक महीने पहले सरसों के तेल और रिफाइंड ऑयल की कीमत 110 से 120 रुपए किलो थी। अब उसके बाद से दामों में निरंतर इजाफा होता दिखाई दे रहा है। दिसंबर महीने के अंत में तेजी और ज्यादा गहरा गई है और जनवरी महीने के शुरुआत में ही तेलों के दामों में एक जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है और सरसों के तेल पर अचानक 20 रुपए की तेजी आने से तगड़ा झटका लगता व्यापारियों को दिखाई दे रहा है। बहरहाल जानकारों का कहना है कि जनवरी महीने में सरसों की कीमतें और ज्यादा तेज होती दिखाई दे सकती हैं। वहीं सोयाबीन भी 4800 रुपए प्रति क्विंटल के स्तर को छूता हुआ दिखाई दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।